सो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉरएवर के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, यहाँ पे मेरे पास है iQOO Z3 एंड पोको X3 Pro, दोनों 20,000 के नीचे आते हैं, दोनों का तगड़ा कंपटीशन है। और इस वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं अपन इनकी चार्जिंग स्पीड टेस्ट का कंपैरिजन करने वाले हैं। सो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये पोको X3 Pro है, इसमें 33 वॉट का चार्जर मिलता है और ये फोन भी 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये हमारा iQOO Z3 है, ये 55 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका जो चार्जर है वो 66 वॉट का है, मतलब जो बॉक्स में चार्जर आता है वो 66 वॉट का है। एंड गाइस, iQOO क्लेम करता है ये फोन 0 से 50% सिर्फ 19 मिनट में हो जाता है, मतलब काफी सही स्पीड देता है ये फोन। और ये दोनों फोन मैंने खुद ने परचेस किए हैं, मेरे पैसे से परचेस किए हैं, मतलब सिर्फ रिव्यू करने के लिए परचेस किए, कंपनी ने कुछ भेजा, तो एकदम रियल होगा सब कुछ। और इस वीडियो पे अपन 1000 लाइक्स का एम रखते हैं, तो यार छोटे से लाइक एम को कंप्लीट कर देना। और इस मंथ का अपना 30,000 सब्सक्राइबर्स का एम है, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब अपन मतलब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया, अभी तक चार्जिंग शुरू नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों फोन के ब्राइटनेस को 50% के आसपास रखा है, ये फोन 3% चार्ज आप देख सकते हो और 10:54 हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको X3 Pro भी दिखा देता हूँ, 10:54 हुआ है, 4% चार्ज है और 50% के आसपास इसकी मतलब ब्राइटनेस है 3। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये आप देख सकते हो दोनों में स्टार्ट हो गई है चार्जिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो पोको X3 Pro में चार्जिंग का सिंबल आ गया है, और यहाँ पे मैं iQOO में भी दिखा देता हूँ आपको, और iQOO में भी आप देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब ये आप देख सकते हो। तो दोनों को अभी अपन बंद कर देते हैं। और 10:55 से अपन ने स्टार्ट की इनकी चार्जिंग, आप देख सकते हो 5% और 3% है। वैसे अगर ये वाला चार्जिंग स्पीड टेस्ट iQOO Z3 का है, क्योंकि इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट मैंने अभी तक चैनल पे नहीं बनाया था, और फिर मैंने सोचा दोनों एक ही प्राइसिंग में आते हैं तो दोनों का चार्जिंग स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बना देते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को डाल दिया। इसका तो मेरे को पता है ये 100 से 120 में फुल चार्ज होता है, इसका देखते हैं कितने मिनट्स में होता है। सो गाइस, यहाँ पे 10 पूरे हो चुके हैं दोनों को चार्ज लगाए, और देखते हैं अपने दोनों फोन कितने चार्ज हुए हैं। दोनों को मैं एक साथ स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो iQOO है वो आप देख सकते हो 19% चार्ज हुआ है, और जो पोको X3 Pro है वो 17% चार्ज हुआ है। तो स्पीड काफी अच्छी है दोनों ही, अभी तक तो मतलब सही चार्ज हो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो 30 हो चुके हैं, और अब अपन देखते हैं कि 30 में दोनों फोन कितने परसेंट चार्ज हुए हैं। यहाँ पे जो पोको X3 Pro 34% चार्ज हो गया है, और जो हमारा iQOO Z3 है वो 45% चार्ज हो गया है। सो गाइस, यहाँ पे जो iQOO का क्लेम है कि 0 से 70% 20 में चार्ज होता है, मतलब 19 में चार्ज होता है, तो वो फैक्ट्री में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रियल टेस्ट में ये 46% हुआ है। और इस रूम का अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो वो 40 के आसपास का होगा, इसलिए थोड़ी स्पीड कम है। सो गाइस, यहाँ पे 40 पूरे हो चुके हैं, और अब अपन देखते हैं पोको X3 Pro कितना परसेंट चार्ज हुआ है। यहाँ पे पोको X3 Pro 41% चार्ज हो गया है, और हमारा जो iQOO Z3 है इसका भी अपन देख लेते हैं, ये 57% चार्ज हो गया है 40 में। iQOO Z3 57% एंड पोको X3 Pro 41%, ठीक है। अगर बात मैं हीटिंग की करूँ तो मेरे को कोई खास हीटिंग फील नहीं हो रही, मतलब हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। पोको X3 Pro में चार्जिंग में हीटिंग का इशू नहीं है, लेकिन आप जब ड्रेन करते हो तब थोड़ा बहुत हीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग में मेरे को कोई भी हीटिंग फील नहीं हो रहा है दोनों फोन में। 40 हो चुके हैं, अब अपन 50 पे देखते हैं कौन सा फोन कितना होता है। सो गाइस, यहाँ पे 50 पूरे हो चुके हैं आप देख लो, और यहाँ पे अपन देखते हैं दोनों फोन कितने परसेंट चार्ज हुआ है। तो हमारा जो पोको X3 Pro है वो आप देख सकते हो 48% चार्ज हुआ है, मतलब पोको X3 Pro हक दिया है, स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है इसकी। और यहाँ पे हमारा iQOO Z3 68% चार्ज हुआ है, iQOO Z3 स्पीड मेंटेन करके रखा है, जैसे शुरू में हो रहा था वैसे ही अब हो रहा है, लेकिन पोको X3 Pro की चार्जिंग स्लो हो गई है, मतलब पिछले 10 में सिर्फ और सिर्फ 7% चार्ज हुआ है और ये 11% चार्ज हुआ है, तो iQOO ने स्पीड मेंटेन कर रखी है। सो गाइस, यहाँ पे 15 और हो चुके हैं, 1:05 हो चुका है, और यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन सा फोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है। तो जो X3 Pro है वो आप देख सकते हो 58% चार्ज हुआ है, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ 58 हुआ है, और जो हमारा iQOO Z3 है 85% चार्ज हो गया। यहाँ पे iQOO की स्पीड मुझे काफी सी लगी, मतलब iQOO की ये चीज मुझे अच्छी लगी कि एकदम मेंटेन चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं कि एंड में चार्जिंग स्लो हो गई, शुरू में फास्ट थी, एकदम मेंटेन चार्ज हो रहा है। और हमारा पोको X3 Pro हक दिया है एकदम, मतलब काफी स्लो हो गया पोको X3 Pro। यहाँ पे गाइस, इनकी बैटरी में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इसमें हमें 4400 mAh पावर की बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें हमें 5160 mAh पावर की बैटरी देखने को मिलती है, तो भी मतलब स्पीड काफी स्लो है, ये 58 हुआ है और ये 85 हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 हो चुके हैं, 1:15 हो चुका है, अब अपन देखते हैं पोको X3 Pro को। पोको X3 Pro 64% चार्ज हुआ है,
और जो हमारा IQ है वो 96% चार्ज हुआ है। गाइस ये लास्ट 10 मिनट में IQ 11% चार्ज हुआ है, 85 से आप देख सकते हो मतलब 96 आ गया। और हमारा Poco X3 Pro इन 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 6% चार्ज हुआ है, तो स्पीड काफी स्लो हो गई है Poco X3 Pro की। हीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बैक में हीटिंग फील हो रहा है Poco X3 Pro के, फ्रंट में भी थोड़ा बहुत है। Poco X3 Pro थोड़ा सा हीट हो गया है ये बोल सकता हूं मैं, और IQ मतलब नहीं हुआ है हीट, मतलब थोड़ा सा यहां पे हीटिंग है वैसे। सो गाइस IQ 99% चार्ज हो गया है 1 घंटा 18 मिनट में। और गाइस यहाँ पे IQ आप देख सकते हो 100% चार्ज हो गया, और मैं यहाँ पे लैप कर देता हूँ, आप देख सकते हो 1 घंटा 20 मिनट 30 सेकंड के आसपास में IQ 100% चार्ज हुआ है। IQ की चार्जिंग अच्छी है, 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट में फुल चार्ज हुआ है एकदम, मतलब हाई टेम्परेचर वाले रूम में। बाकी अपन देखते हैं एक बार AC रूम में भी ट्राई करते हैं कि उसमें कितना मतलब टाइम लगता है, वो वाली वीडियो नहीं आएंगे लेकिन उसको मैं कम्युनिटी टाइम में मतलब अपडेट कर दूंगा कि इतना टाइम लगा है, तो वहाँ पे आप एक्टिव रहना, थोड़े से आपको भी पता चल जाएगा। और अपन अभी Poco X3 Pro को बंद कर देते हैं क्योंकि ये वाला चार्जिंग स्पीड टेस्ट IQ का था, Poco X3 Pro तो बस एक बार मतलब ऐसे साथ निभा रहा था इसका, क्योंकि Poco X3 Pro का मेरे को पता है भाई ये 2 घंटे मेरे लगाता है, मतलब 1 घंटा 40 मतलब 100 मिनट से 120 मिनट इसको लगता है। सो गाइस ये था चार्जिंग स्पीड टेस्ट IQ Z3 का एंड Poco X3 Pro का। IQ Z3 की चार्जिंग मुझे अच्छी लगी, ओवरऑल ठीक है, एक बार अपन इसे मतलब कम टेम्परेचर वाले रूम में भी चेक करेंगे और आपको कम्युनिटी टैब में बताएंगे कि कैसा वर्क करता है। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1000 लाइक का टारगेट है, प्लीज कंप्लीट कर देना भाई, मतलब काफी मेहनत लगी है तो कंप्लीट कर देना। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, 30,000 सब्सक्राइबर्स का है मैं इस महीने का, कैसे पूरा होगा मेरे को नहीं पता, बस आप ही कर सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, बेल आइकन को प्रेस करो, और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो @RagavBhatiaRV, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे भी मतलब सपोर्ट दिखाओ। 1000 फॉलोवर्स होने वाले हैं तो वहां पे भी आ जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।